बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा में है। इससे जुड़ी कई खबरें सामने आ चुकी है। हालांकि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अब तक ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन इस बीच दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एवी डिविलियर्स ने इस खबर पर मुहर लगा दी थी, मगर अब वो अपने बयान से पलट चुके हैं। एवी डिविलियर्स ने इसके लिए माफी मांग ली है और कहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक ताजा इंटरव्यू में मिस्टर 360 ने कहा है कि निश्चित ही परिवार पहले आता है, यह प्राथमिकता है। मैंने अपने यूट्यूब शो पर कहा था, मैंने उस समय गलत जानकारी साझा की जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं बस उन्हें शुभकामनाएं दे सकता हूँ। दरअसल करीब 5 दिन पहले एवी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए इस बात का खुलासा किया था कि विराट कोहली दूसरी बार पापा बनने वाले हैं, जिसके चलते वो क्रिकेट से ब्रेक ले रहे हैं। गौरतलब है कि इंग्लैंड सीरीज शुरू होने से 3 दिन पहले 22 जनवरी को बीसीसीआई ने घोषणा की थी कि कोहली व्यक्तिगत कारणों के चलते पहले 2 टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ये बातें भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को पसंद नहीं आया और उन्होंने इंग्लैंड सीरीज को मिस करने के लिए कोहली की आलोचना की। हालांकि अब दक्षिण अफ्रीका स्टार ने अपना बयान बदल दिया है और स्थिति को शांत करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में अपने कार्यकाल और मैदान के बाहर पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के खास दोस्त रहे हैं। हालांकि एवी डिविलियर्स ने भले ही विराट कोहली के बारे में गलत जानकारी फैलाने को लेकर माफी मांगी हो, लेकिन मीडिया गलियारों में चर्चा है कि कोहली इस समय अनुष्का शर्मा के साथ हैं। खबरों की माने तो विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ शेष 3 टेस्ट मैचों से भी बाहर हो सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा होगी तो उसमें विराट कोहली का नाम नजर आएगा या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।